स्वागत है दोस्तों, मैं गौरव शर्मा एक बार फिर से आपके सामने पेश हूँ ज्ञान ग्लैम की दुनिया। आज मैं और आप आपस में कुछ बात करेंगे। हम अपने जीवन में बहुत सारी चीजें करते हैं, मालाएं पहनते हैं, अंगूठियां पहनते हैं, कभी इस भगवान के पास जाते हैं, कभी उस भगवान के पास जाते हैं। कई बार हमारे मन में ये सोच आती है, विचार आते हैं कि मैं बहुत दिनों से ये कर रहा हूँ, मुझे इसका फल नहीं मिला, मैं पूजा कर रहा हूँ, भगवान मेरी सुन नहीं रहे, मैं इस मंदिर में गया, मैंने ये चढ़ावा चढ़ाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। कई बार हम ये सोचने लगते हैं यार भगवान है भी या नहीं। कई बार हमें लगता है नहीं यार, इस दुनिया में भगवान नाम की कोई चीज़ ही नहीं, या कुछ है ही नहीं, कोई मेरी सहायता करने के लिए कोई है ही नहीं। अक्सर हमने देखा है कि लोग अंगूठियां तो पहन लेते हैं, कई बार किसी के कहने पर कोई यंत्र या विशेष पूजा या बहुत सारी चीज़ें हम कर तो लेते हैं, लेकिन उनके हमें प्रभाव नहीं मिलते, उसकी पॉजिटिव एनर्जी को हम एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। ऐसा क्यों होता है? उसके कुछ कारण है। हमें समझना पड़ेगा कि बहुत सी चीज़ें हमारे लिए काम क्यों नहीं करती जबकि दूसरे के लिए वो फायदेमंद होती हैं। सबसे प्रमुख कारण जो हमने पाया वो ये था कि किसी के कहने पर अक्सर हमने अंगूठी धारण तो कर ली, कोई यंत्र लाके अपने घर में स्थापित तो कर लिया, लेकिन उसको धारण करने के बाद या यंत्र को स्थापित करने के बाद जो क्रियाकलाप या जो दैनिक दिनचर्या हमारी जो होनी चाहिए थी वो नहीं कर पाते हम। कई बार हमने यंत्र को लाके रख दिया, वो रखा हुआ है और हम ये सोचते हैं कि बस ये यंत्र अपने आप कुछ कर देगा हमारे लिए, जबकि असल में ऐसा होता नहीं। सबसे पहले आपको अपने मन से ये मानना पड़ेगा कि ये यंत्र या ये अंगूठी या ये माला मेरे लिए, मेरे भले के लिए, मेरी पॉजिटिव एटीट्यूड को बनाने के लिए सहायक है। तभी वो मंत्र या वो अंगूठियाँ या जो भी यंत्र या कोई भी सामग्री आप जो लाए हैं या जिस देवी देवता को या जिस भगवान को आप मानते हैं वो आपकी सहायता करेंगे। तो पहली और सबसे प्रमुख चीज़ है कि हम जिसको भी माने उसमें अपनी पूरी श्रद्धा रखें। केवल किसी का नाम लेने से, राम राम कहने से इसका मतलब ये नहीं कि हम राम को मानते हैं। अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमें उसको बताना पड़ता है। ठीक ऐसे ही अगर हम भगवान को मानते हैं तो हमें उन्हें बताना पड़ता है कि हे प्रभु हम तुम्हें मानते हैं, और अपने आप को बताना पड़ता है क्योंकि भगवान कहीं बाहर नहीं है, हमारे अंदर ही है। तो पहले स्वयं को तो विश्वास दिलाएं कि हाँ वो भगवान है। इस संसार में जितनी भी समस्याएं हैं उनमें से 90% समस्याओं का समाधान हमारे स्वयं के अंदर ही है। कई समस्याएं वार्तालाप से हल की जा सकती हैं, कई समस्याएं प्रेम से हल की जा सकती हैं, केवल कुछ समस्याएं बीमारी, दुर्घटना, ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनका हमारे पास कोई हल नहीं होता। इसके अलावा जितनी भी समस्याएं हैं वो हम स्वयं हल कर सकते हैं क्योंकि सब समस्याओं का समाधान हमारे अंदर ही है। तो आज के भाग में यही मुख्य बात है कि जिस भगवान को आप मानते हैं उसमें पूरी श्रद्धा रखें, या जिस यंत्र को आपने अपने घर में लाया हुआ है उस यंत्र के लिए जो क्रियाकलाप आपको करने चाहिए उनको पूरा करें। ऐसा नहीं है कि यंत्र को लाके रख देने से ही आपको फल मिल जाएंगे। कोई अगर आपने अंगूठी धारण की है तो उस अंगूठी को धारण करने के जो नियम हैं उन नियमों को पूरा करें, और साथ ही साथ अपनी दिनचर्या में उनके लिए आपको जो विशेष ध्यान रखने की चीज़ें हैं उनको पूरा करें। हमेशा याद रखें किसी भी यंत्र को धारण करने के बाद हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन बातों का विशेष ध्यान रखें। तो आज के भाग में इतना ही, फिर से आपके सामने आऊँगा अगले भाग में। तब तक के लिए राधे राधे, श्याम। हमारी वेबसाइट www.gyanglam को विजिट अवश्य करें। धन्यवाद।